एक मिनट ऐसा देखना। अरे क्यों हलो ऐ दादा এটা কি ভদ্রলোকের মতো কাজ হলো নাকি? এই যে দাদা আমাকে এক জরুরি ফোন করতে হয়। এক মিনিট ভাই। আরে দাদা আমাকে ফোন করতে হবে। কি হলো কি? কি হলো নাকি? কখন থেকে ফোন বাজে? উঠে নিয়ে সত্যি আছে? হ্যাঁ? কখন থেকে ঘুমিয়ে যাচ্ছে? ঘটক শালা। এ কি রে? কান কি মাগি? এই তো শো। আসছি। हेलो शाला, तुमको समझ में नहीं आता है सुबह 6 बजे कोई काज का वक्त होता है? हेलो हेलो हेलो, देखो फोन मत काटो, मैं अविनाश बोल रहा हूँ पटना से। अरे तुम पटना से आया है कि घंटे से आया? दादा हमको क्या? देखो मुझे शंकर पासवान से बात करनी है। किससे? शंकर पासवान। दादा इधर कोई शंकर पासवान नहीं है। मुझे पता वो वहीं है। अभी 8 बजे उससे कहना मैं 1 बजे फोन करूंगा, मेरे फोन का इंतजार करें, बहुत जरूरी काम है। हेलो दादा, वेलकम टू कोलकाता। मैं तुम्हारे लिए कितना देर से इंतजार कर रहा है यार। देखो अपना टैक्सी में लगता है 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट इसलिए तुम्हें जो होटल चाहिए होटल मैं तुमको लेके जाऊंगा और मेरे को मिलेगा 10% कमीशन, तो इसलिए 50% डिस्काउंट। 80 रुपए से 1000 रुपए तक जो रूम तुमको चाहिए वो मिल जाएगा और कालीबाई चाहिए धर्मतला में धर्मशाला भी मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी टैक्सी किधर है? आओ इधर आओ। ये देखो ये मेरा गाड़ी है, कमाल गाड़ी है। ए जय 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 दादा। अरे बाहर आजुन आजुन बाहर। तो यह गुंडागर्दी करने आया, बूढ़े लोगों को धक्का देता है, हाँ? मैं तो सिर्फ फोन करना चाहता था, मैंने धक्का नहीं दिया। हाँ तूने धक्का दिया। हाँ तुमने हमको धक्का दिया। मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ, ये मेरे पिता समान। अभी बाप बना लिया, एक देगा तो दादा बना लेगा। देखो मैं वैसे ही परेशान हूँ, मैं इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। माफी से काम नहीं चलेगा, टाका वाल का टाका निकाल, टाका टाका वाल। सॉरी। ठीक है सस्ता होटल। कितना दिन रुकने का है? पता नहीं। यानी अनलिमिटेड? कुछ काम के लिए क्या? घूमने फिरने के लिए? काम के लिए। दादा एक काम का बात बताऊं, मेरा जान पहचान का घर है, भाड़ा है 500 रुपया, वो 12 रूम है, और हम बोलेगा तो 400 में दे देगा। क्या अपना एरिया है ना, हमार पावर। आओ उस्ताद। इसके बाप ने किराया दिया। खेलो खेलो खेलो। ए चुन्नू रुक रुक चुन्नू। सेठी 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 थोड़ा बिजी है। पकड़ा। निकाल चुन्नू मेरा किराया निकाल। सेठ जी कहाँ से तू आपका किराया? वो तो वकीलों की जेब में चला गया। क्यों? वो क्या है, मेरा लड़का रेप केस में फंस गया है ना। अबे वो तो पिछले महीने फंसा था। नहीं सेठ जी वो तो बड़ा था, इस बार मझला फंसा है। अबे तेरा पूरा खानदान रेपिस्ट है क्या? नहीं छोटा बेटा केमिस्ट है। अच्छा दादा आप यहीं पर रुके, मैं गया और आया। इन बैंड बाजे वालों ने किराया दिया, दे दिया। बजाओ बजाओ अपने ही बाप का मकान समझ कर बजाओ। D15
D15 चिरकोट नहीं मिला. नहीं मिला D15 कमरा तुझे नहीं मिला? अरे सामने ही तो है. किराया नहीं मिला, 3 महीने हो गए और किराया नहीं मिला. मैं तो कब से कह रहा हूँ सेठ जी कमरा खाली करवाइए. सेठ जी अरे अरे रुक ना यार, बात कर रहे हैं. अगर कमरा खाली करवा दूंगा तो किराया मिल जाएगा. किराया नहीं मिलेगा तो किराएदार तो मिल जाएगा. सेठ जी रुक ना यार, किराएदार कौन लाएगा? तेरा बाप? मेरा बाप तो कब का चल चुका. सेठ जी कब से ही कह रहा हूँ किराएदार मिल गया. पैसे लाया? फूल लेके आया. दादा आपका काम हो गया. सेठ जी है और यहाँ के मालिक है. देखो ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ किसी भी प्रकार का गोंडागोल नहीं चलेगा. किराया होगा 250 रुपया 15 दिन का, 500 रुपया महीने का. कर. किधर से आया? फैमिली किधर है? माँ बाप है या फिर आगे होने वाले हैं? कलकत्ता में यही लाना था क्या? दादा एक मिनट रुको. सेठ जी आप भी कमाल कर रहे हैं, आप कमरा देने की बेटी की शादी करा रहे हैं. अच्छा हुआ याद दिला, वो भी तो करवानी है. देख बेटा सेठ और पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. तो कर दिया ना? कर दिया. हो गया भैया हो गया. आपका कमरा हो गया D15 तीसरा माला. पैसे निकालो. दे दो. देखिए मैं आपसे मालूम है नहीं किरायादार होना. पैसे दिए ना उस सूद खोर सेठ को, उसका बस चले तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे. लेकिन मैं तो सिर्फ किरायादार हूँ ना. 300 रुपए से ज्यादा किराया नहीं इस मकान का, लेकिन मैं 450 दे रही हूँ पिछले 3 सालों से और आज ये फल मिला. लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपना कमरा मिल गया ना. अब खड़े खड़े मेरे मुँह क्या ताक रहे हो? वो बैग पकड़ा देने से कुछ घिस तो नहीं जाएगा तुम्हारा? 3 साल से इस जेल में रह रही हूँ और एक दिन धक्के देकर निकाल दिया मुझे. हाँ मुझे भी नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ. समझ जाओ वो इधर ही देख रहा है. बेवकूफ है, देख अभी पीछे से बुलाएगा. सुनिए अब कहेगा आप चाहे तो यहाँ रह सकती है. सुनिए आप चाहे तो यहाँ रह सकती है. मैं आपको निकालना नहीं चाहता हूँ. मैं आपको निकालना नहीं चाहता. अरे खंडित जान, नहीं तो मैं हंस पड़ूंगी. मैंने कहा आप कमरे में रह सकती हैं और मैं यहाँ रह सकती हूँ. क्या क्या आप बोल क्या रहे हैं? क्या मतलब क्या आपका कि मैं कमरे में रह सकती हूँ? हाँ हाँ ये शरीफों का इलाका है, यहाँ यूं ही कोई किसी के कमरे में नहीं रह जाता. अरे गरीब है तो क्या हुआ, इज्जत है हमारी. क्या बकवास कर रही हैं आप? जिसके मुंह में जोर है फके जा रहा है, अकल नहीं है आप लोगों को? अरे मकान लेते वक्त मुझे क्या पता था आपको निकाला जा रहा है? आप रहिए अपने कमरे में, मुझे नहीं चाहिए आपका कमरा. मुझे तो बस ये बैग रखने की जगह चाहिए थी, मैं यहाँ बैलकनी में सो जाता. अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ. इतना के बारे बोका. सुनिए आप इतना डांट रहे तो हम रह जाते इस कमरे में. हमारा नाम बुलबुल है, आपका कोई नाम है? अविनाश. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 very good. अभी हम सच में करेगा, तुम पार्टी में वो ब्यूटीफुल लेडी के पास जाएगा. ओह नो, ऐसा मत चलो, जेंटलमैन का जैसा. दैट्स इट. अभी उसके सामने झुको, अब किस करो. नहीं नहीं, उसका हाथ को. अभी उसको पूछो, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ दिस. ओके. उसको इधर लाओ, डांस फ्लोर पर लेकर आओ. चलो इधर लाओ. वेरी गुड. हाँ बोल. देख लो चाहे गुआ, वो अविनाश भाग के यहाँ कलकत्ता पहुंच गया है. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम साले खुद भी फंसोगे और मुझे भी मरवाओगे. अबे तुम्हारी हर बात पर फटे काहे लगाते हैं? तुम जाके भैया जी का बोलो तो, हमारे ना भाई. मुझे शौक नहीं मरवाने का, तो खुदा कर बता ये साला पागल लखन किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा. ए तुम क्या करते हो मैन? लीव मी. क्या कर रहा है तू? मेरी
मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। लखन ये अपनी जगह नहीं है। This is ridiculous. कलकत्ता बवाल हो जाएगा यार। This is a girl's school, not a bloody brothel. समझने की कोशिश कर। कंप्लेंट नहीं करेगा। अरे लखन भैया सोचना यार। बोल। वो अविनाश जो है हुआ से भाग के हम लोगों के पीछे पीछे कलकत्ता आया हुआ है। मुंह में हाथ डाल के आत बाहर निकाल के पिछवाड़ा से भूसा भर के पेड़ पे लटका दे उसको अंग्रेज में क्या बोलते हैं? Put your hand in his mouth, pull his intestines out, then shove some sawdust up his backside, and then hang him on a tree. ऐसा ही करता हूँ उस हराम ज्यादा के साथ। और क्या क्या पता मेरे बारे में? हम कुछ नहीं बोला, हम तो जानता भी नहीं उसको। उसको अंदर का नंबर किसने दिया? घटक साले हरामी इधर की उधर लगाता फिरता है। और कौन कौन को नंबर दिया पता? हमने किसी को नहीं दिया, हमारा विश्वास कीजिए। हम तो साले उसने बोला था 1 बजे के बाद फोन करेगा, ये उसी का फोन होगा। उठा फोन उठा, हमें पूछे तो बता हम यहाँ नहीं है। उठा उठा सर। हेलो नंबर क्या हुआ? हम पे चिल्ला रहा था तो हम क्या करता दादा? एक काम क्या बोले थे हमारा बात रुक रुक हरामी सुना। हाँ बोल। हेलो सुनिए सुनिए, मुझे रस्तोगी ने भेजा है। रस्तोगी वो पटना वाले रस्तोगी ने भेजा है। रात को फोन करना 11 बजे इसी नंबर पर। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये तो साला रस्तोगी का आदमी निकला। ये रस्तोगी कौन है? एक इंस्पेक्टर बिहार पुलिस का, उसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। 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 मजदूर यूनियन सकता हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बाहर सोओगे। मुझे अपने बैग से कुछ सामान चाहिए। आप चाहे तो बैग बाहर दे सकती हैं। मुझे लोगों पर भरोसा करना आता है, वैसे चिल्लाना भी आता है। गया? अब समझ में आया उसने लड़की को कमरा क्यों दिया? बेचारा शरीफ आदमी है सेठ जी, उस लड़की के आंसू इससे देखे नहीं गए। अरे तंबूरा आंसू देखे नहीं गए? उसने लड़की को देखा होगा और उसके दिमाग में एक ख्याल आया होगा। क्या? अरे वही बेसहारा लड़की को देखने के बाद हर मर्द के दिमाग में आता है। जो सामान चाहिए था वो मिल गया। खाना खाओगे? सिर्फ बेड़ा चाय मिलेगी। नो थैंक्स। दरवाजा ठीक से बंद कर लेना।
पैसा दे साली। भाई मेरा दुबई से कमा के भेजता है साली और यहाँ सब खर्च कर देती है, उड़ा देती है साली, मेरे को दारू पीने नहीं देती है। टाका हमको दो, लड़की तुम रखो। गुड बॉय। अजय अजय माल दादा हेलो हेलो गांगुली है सौरव गांगुली कैप्टन सौरव गांगुली। अरे दादा दारू भी रखा है क्या? अरे सुनिए, अरे दादा सौरभ बेहाला में रहता है, ये सोनागाछी है सोनागाछी। कैप्टन सौरव गांगुली, अरे कितनी बार बोलेगा तुमको हम, कितनी बार बोलेगा, ये सुदर्शन बार है, इधर लोग दारू पीता है, क्रिकेट नहीं खेलता है, समझा तुम? समझा नहीं समझा? इसको ऑफिस में रख। ए, फोन किया था उसको? पटना फोन किया था ना, रस्तों की घर पे मिला नहीं, 8 दिन के बाद यहाँ मिलेगा वो। उसका फोन आया था? किसका? ए, बंद कर। उसी का? नहीं नहीं, वो सुबह वाले का नहीं आया था, अभी नहीं आया। साला मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है। मैं ऊपर हूँ, तू लौंडों को तैयार रहने के लिए बोल। जी। का चौमड़ बजाओ हो बजाओ। मामला गर्म है, संभाल कर रहना। शंकर पासवान कहाँ है? कौन शंकर? कौन शंकर? हाँ तेरे को मालूम नहीं शंकर कौन है? कौन तू? बता शंकर पासवान कहाँ? बता कहाँ है? बता बता दे। बाहर गया है, 10 मिनट में आएगा। दादा अंदर ही है वो। दादा हमको जाने दो, हमारा और कस्टमर। सॉरी। देखा है क्या? वो पीली शर्ट वाला? हाँ हाँ। शकरदा ये फोन वाला आदमी है, गंदा इसलिए बोला हम। तू बिना फोन किया अंदर कैसे आया? देखो मुझे रस्तोगी ने भेजा, बिहार वाले रस्तोगी ने। मार दोनों को।
फोन लगा जल्दी, हैंड्स अप, बंदूक फैलाओ, चलो चलो जल्दी से जा, हाथ तुम तो नहीं करो। हाँ चलो फिर दौड़ना, चलो चलो। सिगरेट बाद में, पहले चाय पी लो चल के। कल रात को कहाँ गए थे? हम देखे थे तुम्हें जाते हुए। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। अब जाग रहे हो या सो रहे हो? हाँ, अरे तुम्हें तो चोट लग गई है, कल रात को फिसल गए थे क्या? पता है कल रात को भूख लगी होगी तो नींद खुल गई होगी। लेकिन लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटा के खाना कैसे मांग सकते हो तुम? मर्द हो ना, हीरो बनने का शौक है तुम्हें, है ना? जवाब दो, तुम्हें कहीं नहीं बोलने की बीमारी है क्या? और तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है। अब पूछोगी कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम? मरने। इंटरेस्टिंग। दिस फिल्म इज ब्रॉट टू यू बाय द सीक्रेट्स बाय माधुरी। मेरे सौंदर्य के राज आपके लिए। एंड दर्द, थकान और अनिद्रा से राहत के लिए नवरत्न थी। एड डायमंड रोलर, अ पेन, अ जूल। कट कट! अरे माधुरी जी के बाल तो हीरे से भी ज्यादा चमक रहे हैं। Beauty Secrets by Madhuri Extra Shine Shampoo। चमक का ये राज मुझे मिला यूरोप की हर्ब सेज में। यही सेज आमंड के साथ मिलकर बालों में सेहत की चमक करती है दुगनी। कट, और बड़ा हीरा लाओ। कुछ न चमके बालों से ज्यादा एक्स्ट्रा शाइन शैम्पू और मेरा वादा। The magic of Madhuri। अंकल एक एजल मालूम है मुझे, तुम्हें चाहिए ओरिजिनल एजल रिफिल जो दे ब्रेक फ्री राइटिंग और क्या। और अब इसमें है नया डाई स्टफिंग। दूसरी जेलिंग की खुरदरी राइटिंग के मुकाबले एजल की नई डाई स्टफ जेलिंग लिखे मस्केसी स्मूथ। ये लो। बाय अंकल। एजल इंडियाज ओनली रिफिल विद डाई स्टफ जेलिंग। साला कैसा डॉक्टर है तुम? वो डॉक्टर बनर्जी को बुलाओ। देखिए चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है, आपका भरोसा नहीं। अरे मेरा भाई का जान है खतरे में। थोड़ी बात कर, इधर भी आ, यही नजर रखना। ओके सर, चलो। शंकर को मिलना बड़ा मुश्किल है क्या? बहुत सिक्योरिटी है, इम्पॉसिबल है एकदम। ₹1000 है आपके पास? 500 भी चलेगा। चलो जो कुछ करना जल्दी करो, आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं। हाँ दादा पूछो। अरे हमारा शक्ल क्या दिखता है, पूछो ना। शंकर ऐसा कैसा पूछता है, इसको हिला के पूछो ना। शंकर दा। शंकर मुझे रस्तोगी ने भेजा है, इंस्पेक्टर रस्तोगी। तुम इंस्पेक्टर रस्तोगी को जानते हो ना? उसने कहा था अगर कलकत्ता में मुझे कोई काम हो तो मैं तुमसे मिलूं। शंकर मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसका नाम है लखन यादव, पटना वाले लखन यादव। शंकर तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है? क्या वो उस वक्त कलकत्ता में? देखो मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है शंकर। अरे दादा जल्दी करो, कितना बात करता है तुम इससे? ये तो गया। अरे लखन यादव को तो दादा हम भी चिंता है, लखन यादव आजकल कलकत्ता में है। हम कलकत्ता में? तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ मालूम है, हमको जानता है। আমাদের নামে, আমাদের নামে, আমাদের নামে।
ये लखन यादव तो बहुत ही डेंजरस आदमी है दादा। इसका छेला लोग भी बहुत डेंजरस है। हमको लगता नहीं कि ये आपके हाथ आ सकेगा किसी भी दिन। कैसे हाथ में नहीं आएगा? बोल! मुझे उस तक पहुंचा दे, लखन तक पहुंचा दे मुझे। तो हमारा कुछ लेके भागा है क्या? हाँ। दादा हम तुमको लखन तक पहुंचा देगा, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा टाका चाहिए होगा। छेला लोगों को देना ना एड्रेस पता करने के लिए। 10,000 टाका बस इतना ही है, इतना ही अभी। तूने बोल क्यों नहीं दिया कि मैं घर पे नहीं? क्या चाहिए भीषण? हेलो, कोथा आ चो तुमी? आप ठीक तो है? अरे मेरा फिकर छोड़ो, तुम कब आ रही हो? अच्छा मैं आ रही हूँ। आओ शीघ्र ही आओ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ। अरे दानाओ, एक मिनट दानाओ, दानाओ पीछे मत आओ। दादू भीषण जाए तुमको अच्छे अबार खाता करो, सुन जो ना हैं बोलो। दादाजी रिलैक्स, थैंक यू, काम डाउन। तुम बांगाली नहीं है तो भी अच्छा आदमी है, और ये लोग बांगाली है तो भी सिर्फ खी 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 को। बाबा ব্যাপারটা কি ওদের সামনে ডিসকাস করতে হবে? আর উসকা সামনে ডিসকাস কিউ নাই করেগা, ও রিমা কা হোনে ওয়ালা মঙ্গেতার হ্যায়। জমাই বাবু খড়ে কিউ হ্যায়, বসো না। হ্যাঁ বৈঠো, লেকিন এই ঘুটনে পর বৈঠো, ও রিমা কা হাত আপনে হাত মে লেকার বোলো, ভিল ইউ ম্যারি মি, ম্যারেজ কা প্রপোজ করো, হামারে সামনে করো, কাম অন। ও তো পহলে ভি বহুত বার বোল চুকা হ্যায়, ইজন্ট ইট? কিতনি বার বোলা হ্যায়? 15 बार। अरे 15 बार क्यों, 100 बार बोलेगा वो तुमसे। वो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, और तुम तो ये घर बाड़ी छोड़कर चाल में जाके बैठा है नाम बदल कर। पर वो ठीक ही तो है ना दादाजी, वो रीमा तो नॉवेल लिखने के लिए। तो इधर क्यों नहीं लिख सकता नॉवेल? बाबा तुम ही बूझते पाछो ना, ওই জায়গাটাকে অনুভব করতে হয়। অনুভব করতে হয়, আর নাম ভি বদল দিয়া, ও ক্যা চুল বুল বুলবুল, হ্যাঁ বুল বুল, এটা কি কোনে নামে ছিরি? পর ও নভেল লিখনে কে লিয়ে নাম তো বদলনা হি পড়তা হ্যায়। তুম হামারা সাইড পে হ্যায় কি উসকা সাইড পে হ্যায়? তুমকো রিমা কে সাথ শাদি করনা হ্যায় কি নাহি? হ্যাঁ করনা তো হ্যায়, পর জব তক ও রাজি নাহি হো জাতি। আরে রাজি কিউ নাহি হোগি? হ্যাঁ দেখ बोलो, मुझे फाइनल जवाब चाहिए अभी के अभी। इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज माय डियर 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 दादू, बुलबुल की लाइफ में एक नया कैरेक्टर आ गया है। बांगाली है क्या? लेकिन अच्छा है। ये लौंगा दे दो, मिर्ची दो, मिर्ची। की होलो बेटी? चले जाने के बुढ़ो बाम। क्या हुआ? हम रोना नहीं चाहते थे, पर क्या करें, यही वो जगह है जहां मेरा छोटू खो गया था। कितना बड़ा था तुम्हारा छोटू? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आपसे कुछ 2 इंच छोटा था। उम्र क्या थी उसकी? 25 साल। 25 साल? इतना बड़ा था और खो गया? बेवकूफ था क्या वो? अविनाश बाबू। अरे सुनो, बुरा मत मानो, वैसे ये छोटू कौन है? तुम्हारा भाई है क्या? प्रेमी, बॉयफ्रेंड है हमारा। ओ। हमारी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन वक्त कम है, इसलिए 2 लाइनों में सुनाती हूँ। पहाड़ों के पास हमारा एक छोटा सा गांव था। मेले में मुलाकात हुई थी हमारी उससे। छोटू बैंड मास्टर था, झुनझुना बजाता था। मेरे माँ बाप उसे पसंद नहीं करते थे। छोटू ने कहा हम लोग भाग चलेंगे,
कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने घर छोड़ दिया। ये दो लाइन है और भी है, ध्यान से सुनिए। दुर्गा विसर्जन का दिन था, बहुत बारिश हो रही थी, घाट पर भी बहुत भीड़ थी। और छोटू ने तुम्हें समझाया होगा कि इस भीड़ भाड़ में चोरी चकारी भी हो सकती है ना? समझाया था। और वो माँ के जेवर जो तुम उठा के लाई थी, वो भी तुमने उसी के पास रखवाए होंगे? आपको कैसे पता? अंदाजा है, तुम आगे सुनाओ। मैं बहुत थक गई थी, छोटू भी बहुत थक गया था, लेकिन उसने मुझे कहा, बुलबुल तुम यही खाट पे बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और फिर वो खो गया। पता नहीं वो मेरे लिए कहाँ कहाँ भटक रहा होगा बेचारा। बेचारा? अरे इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें लूट के चला गया। लूट के चला गया? हाँ। क्या लूट के चला गया? आप भी के और बाबा आगे जान। वो अग्नि की तरह पवित्र था, इतने दिन मेरे साथ रहा लेकिन मुझे छुआ तक नहीं। उस अग्निपुत्र के हाथ में जेवर थे तुम्हारे, वो तुम्हें क्यों छूता? जहाँ हाथ मारना था हाथ मार दिया उस कमीने ने। मेरी प्यारी बुलबुल, मेरी चांद चकोरी बुलबुल, मेरे दिल की प्रधानमंत्री बुलबुल, अब आप ही बताइए अविनाश बाबू, कोई कमीना ऐसा लिख सकता है? सिर्फ एक कमीना ही ऐसे लिख सकता, और कोई नहीं। देखिए आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, ये खत छोटू ने खुद अपने खून से लिखे हैं। लाल इंक पे पानी डालोगी तो धुल जाएगा। मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता बुलबुल, लेकिन तुम पागलपन कर रही हो। पागलपन कौन नहीं कर रहा है, आप अपनी कहिए। ये रातों को जागना, सुबह शाम गायब हो जाना, ये हर घड़ी हर पल किसी को ढूंढना, हाँ ये सब क्या है? हाँ ये सब क्या है, कुछ तो है लेकिन है क्या? This film is brought to you by The Secrets by Madhuri. मेरी सौंदर्य के राज आपके लिए। And Agile, Agile, Agile for Universe. International Agile. सिरदर्द, थकान और अनिद्रा से राहत के लिए नवरत्न तेल। अंकल एक एजल रिफिल। मालूम है मुझे, तुम्हें चाहिए ओरिजिनल एजल रिफिल, जो दे ब्रेक फ्री राइटिंग। और क्या? और अब इसमें है नया डाई स्टफिंग। दूसरी जेलिंग की खुरदरी राइटिंग के मुकाबले एजल की नई डाई स्टफ जेलिंग लिखे मस्त केसी स्मूथ। ये लो। बाय अंकल। एजल, इंडियाज ओनली रिफिल विद डाई स्टफ जेलिंग। इमामी और माधुरी की पेशकश ब्यूटी सीक्रेट्स बाय माधुरी 3-in-1 लाइट हेयर ऑयल। तीन तेल, आमला, कैस्टर, आमंड के साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों का अनोखा फॉर्मूला। इसे हिलाए, रंग मिलाए, फिर बालों में इसे लगाए, काले लंबे करे बाल, देखिए 3-in-1 का कमाल। The magic of Madhuri. Introducing the revolutionary pinball in Ad 2K for the finest writing. Ad 2K with pinball. मुझे तो लगता है कि आप डरते हैं। कुछ है जो आप छुपा रहे हैं। किससे? क्यों? इन साहब को जरा देखो। को जरा देखो, ये ऐसे क्यों है सोचो, ये साहब अजीब है, ये साहब अजीब है, बिगड़े बिगड़े से चेहे चेहे से रहते हैं, ये जिनसे हंस के बात करे वो खुश नसीब है, ये साहब अजीब है, ये साहब अजीब है।
उसे बालकनी में बैठे कुछ ढाई घंटे हो गए हैं। सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या सचमुच उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं? कोई बात तो है। अविनाश बाबू, एक थो मिनट। आपकी दिलेरी देखकर मैंने ये तय किया है, नहीं इन सब लोगों ने मिलकर मुझसे ये तय करवाया है कि उस दिन 250 रुपये जो मैंने किराए के ज्यादा लिए थे ना, वो मैं आपको वापस लौटा दूं। और अगर आप चाहें तो कैली से कहकर लड़की को बाहर निकलवा दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो। अंकल खाना। हम पुलिस का आदमी नहीं है, हम तो शंकर पासवान का आदमी है दादा। आपका छिला लोग आया था ना बार में मारने के लिए अविनाश को, हम तो पहचान लिया उन लोगों को, लेकिन हम तो किसी को नहीं बताया, हम पुलिस को नहीं बोला, हम बोला ही नहीं पुलिस को कि हम चिंता है उनको। और वो अविनाश हमसे लगन यादव का पता पूछ रहा था, हम उसको नहीं बताया पता, हम उसका पता पूछ लिया, हम आपको पता बता सकता है अगर अगर हमको थोड़ा टाका मिले तो। शरुण दादा, शरुण आई आई आई। लड़की शोजान दादा। आई बदमाश। अरे अविनाश बाबू कहाँ थे आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो लगा कि आप मिलेंगे नहीं। सुबह ढूंढा, शाम को ढूंढा, रात को ढूंढा, अगर आप मुझे आज नहीं मिलते तो मैं कहाँ जाती, किससे कहती? बात क्या है? बात तो कुछ नहीं है, छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो होना था वो हुआ नहीं और जो सोचा कभी नहीं होगा वो हो गया। पहली आमद बुझाओ, साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है। तुम बोलो ना,
कौन हो, कहां से आए हो, कौन है जिसे ढूंढती है ये आंखें? बोलो ना, बात क्या है? छोटू मर गया क्या? कहते हुए शर्म नहीं आई ना आपको? छोटू आ गया है, मेरा मतलब उसकी चिट्ठी आ गई है, वो भी आ जाएगा। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सोचा नहीं था आप भी ऐसा करेंगे। सूरदास ने ठीक कहा था, दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। सूरदास ने कहा था, अरे जिससे भी कहो मैं अकेली चली जाऊंगी, अब मरूंगी। अगर छोटू आज नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खुदकुशी। अरे सुनो, मान गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, और आप रोना बंद करो। कर दिया। This film is brought to you by The Secrets by Madhuri. मेरी सौंदर्य के राज आपके लिए। And Agile, Agile, Agile for Universe. International Agile. Beauty Secrets by Madhuri Extra Shine Shampoo. चमक का ये राज मुझे मिला यूरोप की हर्ब सेज में। आमंड के साथ मिलकर बालों में सेहत की चमक करती है दुगनी। कुछ तो चमके बालों से ज्यादा Extra Shine Shampoo और मेरा वादा। The magic of Madhuri. Looking fine, bright and great, the choice you have made is ultimate international ad gel. इमामी और माधुरी की पेशकश ब्यूटी सीक्रेट्स बाय माधुरी 3-in-1 लाइट हेयर ऑयल। तीन तेल आमला कैस्टर आमंड के साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों का अनोखा फॉर्मूला। मैंने देखे जो सपने तुम्हारे लिए साकार सारे वो होने लगे। बस आरज़ू है कि छूनो सितारों को तुम। शुभकामनाओं से बंधा एक अनमोल उपहार एड डायमंड रोलर।
चल देना पड़ेगा दिल तो अभी दे दो ना, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा दिल तो अभी दे दो ना, तो अभी दे दो ना। चलो घर चलो। वो नहीं आएगा। कुछ मत कहिए, मेरा छोटू जरूर आएगा। उसे चिट्ठी लिखकर वादा किया है मुझे, मुझे यकीन है मेरा छोटू आएगा। बेवकूफ हो तुम, इतना समझ में नहीं आता तुम्हें? वो धोखेबाज तुम्हारे जेवर लेकर भाग गया, अब वो वापस नहीं आएगा। देखो, किसी को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूं बुलबुल। आपके मुंह से बुलबुल सुनकर कितना अच्छा लगा। भूल जाओ छोटू को, उस धोखेबाज के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें कोई और मिलेगा जो तुम्हें सच्चा प्यार करेगा, जिसके साथ तुम खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकोगी। आपसे मिलकर मुझे ऐसा ही लगने लगा अविनाश बाबू, कि मुझे वाकई छोटू को भूल जाना चाहिए। अविनाश बाबू, मुझे आपसे, मैं आपसे, मैं चलता हूँ। अविनाश बाबू, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अब आप ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैं किसी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, और तुम जो सोच रही बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? अभी तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे कोई और मिल जाएगा जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा, तो वो कोई और आप क्यों नहीं हो सकते? बताइए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। जान दे दोगी? ठीक है, दे दो। किसके लिए आप मुझे ठुकरा के जा रहे हैं? उसके लिए जो आपको छोड़ के चला गया? छोड़ कर नहीं गया, उठा कर ले गया उसे, उससे छीन कर ले गए मेरे बेटे को। उसे ढूंढने आया हूं मैं, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। फैल जाओ रे, हमारा पीछे मत रहो। पैसा नहीं दे रहे, गाली दे रहे, गाली नहीं, तूने गाली बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते, हम अविनाश बाबू के गांव से आए हैं। अविनाश बाबू कहाँ रहते हैं? वो तीसरा माला ऊपर। कहाँ? तीसरा माला जी। अच्छा,
हाँ काहे का आवाज आ रहा है यार, लोगों को डरा रहा हूँ। हाँ लोग डर रहे हैं तो हाँ, अब ड्रिंक मंगाए ना, ड्रिंक मंगाए ना, उसके रम आप पियो, टीवी देखिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, नहीं तो पढ़िए, नहीं आता है। देखिए मैं आ रहा हूँ, बात करते हैं हाँ, इस बार बात करते बाबू। हाँ ठीक है रखो। हाँ खड़ी रहो, अविनाश बाबू ओह माय का बोतल और खाना संभाल के रखा यार, मामा वेट करें, उनको पुलिस स्टेशन जाना है। अरे मैं तो चला जाऊंगा, तूने टिकट संभाल के रखा है ना, तू जल्दी चढ़ और कोलकाता में मुखर्जी अंकल के यहाँ पे। कहाँ गया? अरे तू गया नहीं अभी तक? अविनाश रास्ते में कुछ मत खाना, सिर्फ दही चावल ही खाना, और खाने के बाद चूर्ण खा लेना।
सुबह उठते एकदम साफ फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ तू जा जा जा। सोडा पीना, पानी मत पीना। हाँ हाँ जाना तू अभी जा। सामान चैन के साथ बांध के रखना। मैं सामान बांधूंगा, तू जा। मौसी जी जरा ध्यान रखना। अरे ये मौसी नहीं है मेरे बाप, तू जा। मौसी नहीं है लेकिन ध्यान तो रख सकती है ना, है ना मौसी जी? फोन करना, नंबर याद है ना? अरे तू जाता कि नहीं? अरे मेरा बैग, अरे सेल, अरे मेरा बैग तो दे यार, मेरा बैग है कितने बंद जा रहा है। ये देख, बोलो जल्दी ऊपर, सब लोग करो। जनता का जवाब इसको जो क्या, वो फोटो का ही देख रहे हो, अपना काम करो। हमसे हाइड हाइड करके कितना हाइड करोगी जाने मन, जाने मन जान, सॉरी एस मन सॉरी। यार तुम तो पीछे पीछे कहा कर रहा हूँ, जाग वैसी ढूंढो जाएगा। ये कहो हो ही ससुरी, हटो भाग के जाए कहाँ ससुरी है? डरो मत, चलो डरो। क्या हुआ? डर रहे हो? डर रहे क्या? अरे खोल, क्या हुआ? अरे भैया ये सतरी गुरुजी बैठी है, खोल दरवाजा। ये भी कोई तरीका है दरवाजा खोलने का? बेशरम अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही करता है क्या? रॉन्ग नंबर, चलो दीवारी। अंकल की भी करी, टेंशन में आ गई बुढ़िया बेचारी। ये तो कोई अंधा भी बता सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्यों स्टेशन से पीछे पड़े हैं, यहाँ तक आ गए। तो कंप्लेंट कीजिए। ओ भाई साहब, आप कहिए। एक मिनट, कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं, थोड़ा इनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। बोलिए। आप ही संभाल करते हैं, प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती, लेकिन घर के झगड़े में कोई पुलिस वाले को थोड़ी बुला लेता है। आप चलिए भी, बच्चों को अकेला छोड़कर आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? चलिए एक्सक्यूज मी, जाइए ना। क्यों किया तुमने ये? अरे मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? अरे तुमने कहा, किसी चावल ने थोड़ी कहा। मैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो प्लीज गेट आउट। ए मैम साहब, ज्यादा बकवास की ना, और हाथ तुमने पकड़ रखा, ये देखो हाथ तुमने पकड़ रखा, मैंने नहीं। आया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा आटना। अरे भैया जी पाए लगी, इसको देखा है। भैया जी ये भी रहा उसके साथ, रास्ता देंगे भाई साहब। नाउ आई अंडरस्टैंड, इसीलिए भागी थी साली ससुरी। यू हर लवर आशिक। कौन, क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो आए वो। अरे भाई साहब माफ करना, मैं किसी को नहीं जानता। चलो के बाद ट्रेन दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगी और वहां पर बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकर के जाओ इसको, ए अब्दुल जब्बार, समझने की कोशिश कर। हाँ भैया जी, अगर यहाँ बवाल हुआ तो पुलिस भी साथ नहीं देगी। यही है वो,
उतरो। असार कोनो भागे कोशिश करो का गोली मार दियो। अबे भीतर बैठे गोली मार दे। जो भाई नमस्कार, इनका जाना था तो का महात्मा गांधी जाना था नहीं। अब चिरी फटिया फटिया, अरे सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? गाड़ी कैसे रोक दी आपने? आपके बाप ए रिवर्स करो, रिवाइंड रिवाइंड। मुझे कलकत्ता जाना है, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे कोई बोलता भी नहीं, क्या हो रहा है? हम क्यों इनकी वजह से परेशानी में पड़े? क्या कर रही हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्यों धक्का मार रहे हो तुम? हमारे भी बच्चे हैं। ये देखिए भैया, यही है वो, इसी की वजह से सब हुआ है। ये क्या किया आपने? सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। आप जाने की स्थिति में नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बैठिए आप, बैठिए, बैठिए आप। अब आप समझाइए ना, आप बैठिए आप। अविनाश, अरे बैठिए प्लीज। अविनाश, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा। वो अकेला है, पता नहीं किस हाल में है। प्लीज अविनाश, उसके खातिर कुछ ही समय की तो बात है, प्लीज अपने बेटे के खातिर अविनाश। सिस्टर जल्दी करो, चलो प्लीज। बच गए। थैंक्स, बाय। फिर क्या हुआ? क्यों पीछे पड़े थे वो लोग संजना के? तुमने सुजान सिंह का नाम सुना?
बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन संजय नाम से बेटे। बात बहुत हो चुकी तुम्हारी बकबक, अब तुम हमारी बात सुनो, हमका वारिस चाहिए वारिस। कुदरत भी कमाल है, वरना सुजान सिंह के घर में संजना जैसी बेटी। कितने दिनों तक चलेगा ये मामला? शादी तो करनी ही होगी ना, और फिर सीधे मंडप में थोड़ी ना बिठा रहे। प्रगतिशील है, ओपन माइंडेड है तुम्हारा फादर। मिलो जुलो, सीधे बात करो, डेटिंग, और नहीं पसंद आया तो 10 और खड़े कर देंगे, पर फाइनल निर्णय हमारा ही होगा सर। वो हाँ हाँ मालूम है, जनता हमारा इंतजार कर रही है, पर पहले अपने घर के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ले। क्या बोलो? हाँ। आते हैं। अरे घूंघट में बैठी हो, समझाओ ही का, बहुत हो गया बचपना कि जो किया है बनाया है, धर्मार्थ के लिए नहीं बनाया है। पिटुआ, बचपन से अब तक हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए हैं, एक उपकार हम पे भी कर दो, हमका वारिस चाहिए। सुजान सिंह जिस लड़के से संजना की शादी करवाना चाहते थे, उसका नाम लखन यादव था। लखन यादव एक बहुत ही घिनौना, बदमाश, गुंडा, जाहिल किस्म का आदमी था। अगर सुजान सिंह ने 100 खून किए थे तो उनमें से 99 लखन यादव से करवाए थे। शुरुआत में तो लखन यादव सुजान सिंह का गुंडा था, लेकिन अब युवा नेता था, उसके ख्वाब कुछ ज्यादा ऊंचे उड़ने लगे थे। जब हमने आपको पहली बार देखा था, छोटे से मुंबई से कपड़े मंगवाता था, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, और अब उसकी नजर संजना पर थी। सॉरी सॉरी सर, यू विल हैव ड्रिंक ना? विस्की? नो। वोडका? चलेगा? नो। पीजिए। नो स्मेल? आई अंडरस्टैंड, नॉट इन पब्लिक प्लेस। चाय इन फ्रंट ऑफ फ्यूचर हस्बैंड। म्यूजिक बहुत लाउड है। हाँ बहुत अच्छा है ना? बहुत लाउड है। लाउड है? ओके बेटर, बंद करो। ए जॉनी, म्यूजिक ऑफ कर दो। अरे अरे क्या हो भाई साहब? लखन यादव बैठा है। अरे लखन यादव बैठा है, चल बता दो मेरे को। व्हाट द हेल यार, इधर आ। संजना ने लखन के बारे में जो भी सोचा था, देखा, उससे भी बुरा था। यू आर वर्ड माई कमांड। थैंक यू। व्हाट? थैंक्स। लाइफ पार्टनर। सिर्फ एक ही बात उसे सताई जा रही थी कि उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। समटाइम्स यू कैन वेयर स्कर्ट्स, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड, हैव फ्रेंड्स, गो प्ले किटी पार्टी, एंजॉय, आई डोंट माइंड। समटाइम्स फील लाइक शॉपिंग, गो बॉम्बे, आई डोंट माइंड। चलो शादी के बाद कहाँ जाएंगे? सिंगापुर, लंदन, टोक्यो, वेर एवर यू वॉन्ट जाएंगे, टाइम मिलेगा तो देख भी लेंगे। कम कम फ्रेंड, कहाँ रह गया था तू? टायर फट गया था, टायर फट गया था तेरी गा। दोस्त है हमरा, कलकत्ता में रहता है, हैंडलिंग फादर्स बिजनेस, मालूम है। अरे भाभी से बात कर ले, हम थोड़ा हल्का वाले थे। अरे विस्की लाना एक। भाभी कैसे लगी? अच्छा बोला कि नहीं? आपके लिए म्यूजिक। एक मिनट, ए म्यूजिक बंद करो, बंद करो। एक्सक्यूज मी सर, सो प्लीज सर, वी आर वेरी सॉरी, वी कैन नॉट स्विच द म्यूजिक ऑफ। हम लखन का बैंड बजा दे, रुक 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 रुक। ए लखन, जान के रुकिए, उसे हमारी नहीं सुनेगा वो। चक्कर रोकिए उसे। ए बैंड मास्टर बंद करो, बंद कर, म्यूजिक बैन है। प्लीज ऐसा मत। ए चुप ना, अरे बंद करो, अरे बंद करो ना। सुनिए, जाने दीजिए। जाने दो।
जाने दिया आप पता नहीं कहां से आ जाते हैं जानवर। अरे गोली मारेंगे तो कम से कम एक आदमी तो मरेगा ना, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है। और समझा नहीं तो अपने बेटे को समझाइए, मुझे मत समझाइए। है चुप, औकात मेरे अपनी। तैश में बात करने की कोशिश, कितना सुधारने की कोशिश की लेकिन जानवर के जानवर ही रहोगे। अरे पॉलिटिक्स के भी कोई रूल होते हैं, मर्डर करना था तो रात में करते, एक नहीं चार चार करते, लेकिन दिन दहाड़े होटल में दाए देनी गोली चलाने की क्या जरूरत थी, और वो भी अपनी बेटी के सामने। अरे कहा जवाब देंगे हम उसका, किस मुंह से कहेंगे कि ले बेटा शादी कर ले, छांट के रहे तुम्हारे लिए दूल्हा मर्डर। अच्छा अच्छा, इस जरा सी बात के लिए किसी दूसरे से शादी कराओगे, कोई दूसरा दूल्हा बनेगा और मैं क्या गोली डंडा खेलूंगा। अरे वो बात नहीं, मैं चुप बैठूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। पिछले इलेक्शन में कितने खून करवाए थे, अपनी औकात में रहूंगा। शादी की बात, शादी में मैं नाचने आऊंगा, लोरी सुनाने आऊंगा आपके पोते को। अच्छा चल अब तू चल। बी केयरफुल टेलिंग यू। रास्ते में बताया जब मैं उसे लेकर उसके दोस्त के घर उसे छोड़ने जा रहा था। वैसे तो ये रास्ता 2 घंटे का था लेकिन मैं जानबूझकर उसे लंबे रास्ते ले गया। पहुंच गए। बाय बाय। अरे संभाल के। अविनाश थैंक्स, अपना ख्याल रखना। मुझे वहां से जाना चाहिए था, मेरी नौकरी मेरा इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं क्यों अब मैं अपनी जिंदगी उसके बगैर नहीं देख सकता था। को मैंने कह दिया है तेरे बगल में ही घर लेके हम लोग भी वहीं बच जाएंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। भी गई, मैं कहां जाऊं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अपना बैग उठाओ और चलो मेरे साथ मेरे घर। लेकिन तुम तो कहीं जा रहे हो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मतलब कुछ नहीं, ऐसा होता है जिंदगी में कोई मिल जाता है और प्लान्स बदल जाते हैं और मेरे प्लान्स बदल चुके। कम ऑन लेट्स गो। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम नहीं जानते मैं कितनी परेशानी में हूं। अगर पापा को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो दोस्तों को और तुम्हें सबको मार डालेंगे। जरा सोच समझ के बात किया करो। पूरा यही तो सोच रहा था इसलिए वापस आया हूं। अब जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा संजना। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं। दिस फिल्म इज ब्रॉट टू यू बाय सीक्रेट्स बाय माधुरी। मेरे सौंदर्य के राज आपके लिए एंड एजेल जेल जेल फॉर यूनिवर्स इंटरनेशनल एजेल। अंकल एक एजेल मालूम है मुझे, तुम्हें चाहिए ओरिजिनल एजेल रिफिल जो दे ब्रेक फ्री राइटिंग और क्या, और अब इसमें है नया डाई स्टफिंग। दूसरी जेलिंग की खुरदरी राइटिंग के मुकाबले एड जेल की नई डाई स्टफ जेलिंग लिखे मस्त केसी स्मूथ। ये लो। बाय अंकल। एड जेल इंडियाज ओनली रिफिल विद डाई स्टफ जेलिंग।
ब्यूटी सीक्रेट्स बाय माधुरी एक्स्ट्रा शाइन शैम्पू। चमक का ये राज मुझे मिला यूरोप की हर्ब सेज में, आमंड के साथ मिलकर बालों में सेहत की चमक करती है दुगनी। कुछ न चमके बालों से ज्यादा एक्स्ट्रा शाइन शैम्पू और मेरा वादा। The magic of माधुरी। Introducing the revolutionary pinball in Ad2K for the finest writing. Ad2K with pinball. सिर दर्द, थकान और अनिद्रा से राहत के लिए नवरत्न तेल। Looking fine, writing great, the choice you have made is ultimate international ad gel. Ad gel, yeah, hey, ad gel. It's the world's pride up ki kwaish, international ad gel. I say he, she, we, yaha bahut sara jahan likhe ad gel. Gel, gel, ad gel, international ad gel. Ad gel, always ad gel, 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 gel for universe. International ad gel. एक नजर से ही होगा असर, प्यार से देख ले एक नजर से ही होगा असर। आ जाए हम सफर चाहत की राह पर, हम तुम चले मिलकर उम्र भर। जिंदगी के सबसे हसीन दिन। बस यही मेरा घर है, माँ नहीं बाप नहीं, अकेला रहता हूँ। बस एक मामा है, रस्तोगी मामा, पुलिस फोर्स में है। मेरी बनती नहीं उससे, मगर मैं संजना को अपने घर ले आया। हमारी शादी हुई, फिर हमारा एक बेटा हुआ जिसका नाम हमने रखा यीशु। पकड़ो, ये 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 पकड़ो, ये
लड़का कहाँ गया? वो वहाँ उधर है। ये तो सुजान सिंह की बेटी है। बस यही बाकी रह गया था, चोरी करना तो सीख गया, कल डकैती भी करना सीख गया। आपकी भी कोई डकैती होती है क्या? बिल्कुल ठीक कहा तूने। क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम बाप बेटे? मैं समझा रहा था इसे, चोरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तुम्ही ने सिर पे चढ़ा रखा है। कह दू, आप ही ने कहा था चोरी किए बिना आम खाने का मजा ही नहीं आएगा। मम्मी आपको बेटा, एक बात बता, जो तेरा साथ दे तू उसी की ऐसी तैसी करेगा, ये कहाँ से सीखा तूने? क्या कहा तुमने? वाकई बहुत सर पे चढ़ा रखा मैंने इसे। हाँ, और अब इसकी सजा ये है कि पूरी गर्मी में एक आम भी खाने को नहीं मिलेगा। सिर्फ मुझे ही सजा मिलेगी? नहीं बेटा, भूल गया पुरानी कहावत, जब बाप है तो क्या बात है। ओ, तेरी तो वो फेंक। ये आजो तेरा, आजो तेरा। अरे आराम से फेंक, आराम से फेंक। अच्छा तू एक काम कर, तू ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर बहुत आम है। हाँ ऊपर ऊपर। अरे तू डर मत, बिंदा चढ़ जा, तेरा बाप है ना यहाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मैंने कहा ना डर मत, नीचे मैं हूँ ना। कौन है बे? हाय, बेटे आराम से कूद जा, कूद जा। भागो, 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 भागो। ईशु बेटा दूध पी के जाओ। बेटा ईशु, बेटा कहाँ हो तुम? ईशु मैंने ठीक कहा था ना सर? क्या हुआ सर? ये तुमको हमारी बेटी संजना लगती है? बोला गए हो का? ए नर्मदा, इसको हमारी नजरों के सामने से गेट आउट करो। संदीप सिंह, लेके जाओ इन्हें। माफ करना बहन जी, दरअसल इन लोगों की वजह से ही हम नेताओं का पब्लिक में इमेज खराब होता है। कैसी हो संजना बेटी? हमें परेशान करके खुश हो? पापा प्लीज। अरे हम तुम्हारे हाथ पीले कर रहे थे तो एक बाप का फर्जी तो निभा रहे थे, कोनो गुना कर रहे थे का? तुमको हमारे नाम हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? हम अपने दोस्त को जवाब दिए रहे कि अपनी बेटी का हाथ तेरे बेटे के हाथ में देंगे, और अब फजीयत हो रही है कि बेटी संभाल नहीं सकते, पार्टी क्या खाक संभालेंगे? मम्मी अंदर जाओ, अंदर जाओ। मम्मी मैंने कहा ना अंदर जाओ। शादीशुदा तो हो, क्या नाम है उसका? पापा उसे कुछ मत कीजिएगा, मैं उसके साथ खुश हूँ। भेज आउट हो गया क्या तुमरा? हमारी बेटी झाड़ झंकार जंगल में कैसे खुश रह सकती है? देखो बाद में इज्जत ढांकने के लिए हम कुछ कहानी बना दूंगा, मैनेज कर लूंगा। नहीं पापा, मुझे उसी के साथ रहना है। पापा प्लीज। यहाँ हमारे प्रदेश में? ए नर्मदा समझाओ इसका कि जिस कैंडिडेट ने इसको देखा है वो इतना गधा नहीं है कि हमारी एक्टिंग में विश्वास कर लेगा, दूसरी पार्टी में चला गया और हमारी पोल खोल दी तो मुख्यमंत्री की गद्दी में बैठना एक सपना ही बन के रह जाएगा बस। अभी अविनाश कहाँ है?
देखिए सर, चलिए अब यहाँ आपका रुकना सही नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। चलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है संजना, पूरा गांव हमारी हिफाजत के लिए बाहर खड़ा है। और फिर एक न एक दिन तो उन्हें पता ही चलना ही था, थोड़ा सा नाराज हो गए तो क्या हुआ? आखिर पिता है तुम्हारे। पिता? उनके लिए राजनीति से बड़ा सगा कोई नहीं है। कितने श्रूड है वो तुम नहीं जानते। देखो यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी हम छुट्टियों के लिए जा रहे हैं। रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। मेरी बात समझो संजना। हद हो गई है, हर बात में सवाल जवाब करना सीख गया। एक झापड़ मार दूंगा संजना। ईशु अपने कमरे में जाओ क्विक। तुम खामखा घबरा रही हो, हम यहाँ ज्यादा सेफ हैं। अविनाश तुम जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? वापस आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी आंखों में क्या था मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उनका बस चलता तो क्या, तो क्या आखिर चुपचाप चले गए ना? तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बार सिर्फ एक बार, प्लीज प्लीज अविनाश। तुम भी अजीब माँ हो। तुमने कभी सोचा है इतने से गांव में यीशु की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? हमें किसी बड़े शहर में रहना चाहिए, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो बुढ़ापे में हमारा ख्याल तो रखेगा उल्लू का पट्टा। क्यों? संजना मैं जरा बैंक जाकर आता। कहाँ जा रहे हो? मुझसे बात मत करो। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बस मेरी मर्जी, मुझसे बात मत करो। ए क्या है? मम्मी को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो तुम्हें मारती है इसलिए। तुम्हें से मारती क्यों? वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम क्यों डांग अड़ा रहे हो? अच्छा बेटा, एक मिनट में पलटी खा गया साले। चल चल इधर इधर इधर। बिल्कुल बाप पे गया। बाप पे नहीं, माँ पे गया, माँ पे। मैं जरा बैंक जाकर आता हूँ। ओके संभल के। वो ट्रक वाले का नाम क्या बताया तूने? रंजन। कितने बजे आ रहा है वो? 8 बजे। 8:30 बज गए, अभी तक आया नहीं, सो रहा है क्या? रुक बे, क्या हाल है साहब? सब फर्स्ट क्लास है। अरे मुन्ना मैं तुम्हें को ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ मामा? लड्डू खाने के लिए नहीं, देख कुछ लोग तेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे हमसे। मेरे बारे में? हाँ, वो पटना वाले सुजान सिंह से क्या रिश्ता है तुम्हारा? हाँ? गलती से वो मेरे फादर इन लॉ है ससुर जी। अरे मजाक छोड़ मुन्ना, बहुत बड़ा आदमी है वो, पहचान ऊपर तक है, संभल के रहना। दिस फिल्म इज ब्रॉट टू यू बाय सीक्रेट्स बाय माधुरी। मेरी सौंदर्य की क्लास आपके लिए। एंड Introducing the revolutionary pinball in Ad 2K for the finest writing. Ad 2K with pinball. इमामी और माधुरी की पेशकश ब्यूटी सीक्रेट्स बाय माधुरी 3-in-1 लाइट हेयर ऑयल। तीन तेर आमला कैस्टर आमंड के साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों का अनोखा फॉर्मूला। Diamond roller, a pen, a jewel. Cut, cut! अरे माधुरी जी के बाल तो हीरे से भी ज्यादा चमक रहे हैं। Beauty Secrets by Madhuri Extra Shine Shampoo. चमक का ये राज मुझे मिला यूरोप की हर्ब सेज में। यही सेज आमंड के साथ मिलकर बालों में सेहत की चमक करती है दुगनी। कट, और बड़ा हीरा लाओ। कुछ न चमके बालों से ज्यादा। Extra Shine Shampoo. Made of the magic of mine.
Introducing the revolutionary pinball in Ad2K for the finest writing. Ad2K with pinball. Ad Diamond Roller, a pen, a jewel. चाहती थी तो तूने उसे मार डाला। मैंने नहीं भगाया था उसे, मैंने नहीं भगाया था। शादी की थी मैंने उससे, सारा गांव जानता। हम लोग तो जा रहे थे, मैं तो बैंक भी गया था, लौट कर आया तो देखा तो क्या बाप ने मार डाला अपनी बेटी को? साले खुद कत्ल करते हो और दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। कबूल करो कि तुमने मारा अपनी बेटी को। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। किसी ने मेरे संजना को मार डाला और मेरा बेटा मुझे छीन लिया। साले पुलिस को मारता है, गठरी बांध के फेंक दो, साले को पड़ा रहेगा वहीं पर। लखन भैया का फोन आया था। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी अच्छी तुड़ाई हो रही है। अबे तुड़ाई फुड़ाई से क्या होता है, जल्दी से खत्म कर उसे। मामला गरम है गरम, उसे ठंडा करना पड़ेगा। भाई जी से बोल देना। अच्छा, अबे साले, साल भर जब बैठकर भाईजी के पैसों से मुर्गी पकाते हो तब ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पिद्दा सा काम क्या बोला है तो पिछवाड़ा दिखा रहे हो। भाईजी ने कहा है आज के आज काम हो जाना चाहिए, हमें भी रात तक कलकत्ता पहुंचना है। अच्छा, भाई जी वहां पर ही है। अबे साले ज्यादा जांच पड़ताल मत कर, काम कर अपना। क्यों नहीं खत्म किया? लाश को शमशान में ले जाकर जलाते, अपने घर में नहीं जलाता कोई। अब यहाँ तो उड़ाओगे ना इसे। हाँ हाँ, लाओ तमंचा दो। अबे सरकारी तमंचा है ना, हमारा दाना काहे वेस्ट कर रहा है। हाँ हाँ, जितना कह रहे है उतना करो। ले। अबे दाबना घोड़ा, फट रही है क्या? अरे कहानी तो सोचने दे। कहानी? हाँ, बनानी पड़ती है, चार्ज सोचना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ। तो क्या चार्ज सोचा तूने? मारकर भाग गया। है? किसे? तुझे। शुक्रिया राणा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आपका भांजा हमारा भी तो कुछ लगता ही है। मजबूरी में इन कुत्तों की बातें सुननी पड़ती है, वरना अच्छा काम करके तो हमें भी अच्छा लगता है। सॉरी। चलो, हमारा करप्शन किसी काम तो आया। संजना, यीशु, जानते हैं मुन्ना, हम सब जानते हैं, सब समझते हैं तुम पर क्या गुजर रही है।
ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? बहु का क्रियाकर्म विधि विधान से हुआ। सुजान सिंह भी खुद आया था। यीशु जिंदा है बेटा। यीशु, तुम्हारा बेटा जिंदा है। कहां जा रहे हो? सुजान सिंह के पास। यीशु सुजान सिंह के पास नहीं है। तो फिर कहां है मामा? लखन यादव उठा कर ले गए उसे। तुम्हें कैसे पता? फोन आया था, किसका मत पूछ, लेकिन पुलिस के मुखबिरों ने भी यही बताया, लखन यादव कलकत्ते में छुपा है। यीशु को बचा ले बेटा, यीशु को बचा ले। ये ले, ये पैसे रख। देख, ये हरम के नहीं है, ये मेरे नौकरी के बचाए हुए पैसे है। अपने यीशु को बचा ले बेटा। तू कलकत्ते में किसी को जानता है? वहां मेरा एक आदमी है, शंकर पासवान। किसी जमाने में मैंने उसके लिए कुछ किया था। कहा उभर गया है आपका? दो दिन में टांके भी खुल जाएंगे, then you'll be absolutely fine. अविनाश बाबू, आपके कहने के मुताबिक मोनी पिशी लखन यादव का पता लेकर आई है। लखन यादव आज भी कलकत्ता में है। खबर है कि सुजन सिंह और उसके बीच में फूट पड़ गई है और सुजन सिंह के आदमी उसको ढूंढ भी रहे हैं। सुदर्शन बार वाले घटक का कुछ पता चला? देखिए, प्रशांत ने आपको 10 दिन रिस्क लेकर है। प्लीज मुझे बताइए घटक कहाँ है। अविनाश बाबू घटक आज चला, आज घटक का उसके पैसे लौटाने हैं। मालूम नहीं। ए दादा, ए शाला बाहर निकल, पुलिस का रेड डॉट निकल। ए दादा, अरे अरे हाँ, के लिए यहीं कहीं छुपा है साला। वो एक ही जिसके जरिए हम लखन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों चले आई? हम पुलिस नहीं है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करता है। क्या जगह है साला, किधर भी कोई भी घुसता है। भूल गया, हम आपको अविनाश का पता दिया था, भूल गया। अबे तो यो काहे नहीं बोलते हो कि भड़वा बोल रहा हूँ, काहे फड़फड़ा रहे हो तुम? ए शाला शोन, हम जो बोल रहा है वो कर, हम तुम्हारा जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लखनदा को फोन दो जल्दी। अबे तुम जरा होल्ड करियो कि फड़फड़ावे करियो? करता है होल्ड। अब जाइए यहाँ से। अबे नींद की गोलियां खिला खिला के मार डालेगा इसे क्या? ये देखे लखन, ये मेरे बाप की फैक्ट्री, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यहाँ मर गया और मेरे बाप को पता चल गया तो हर इस लौंडे के चक्कर में कब तक लटके रहेंगे आप? चक्कर में जरूरत होगी। साले, फैक्ट्री में जब लड़की का रेप किए थे, छुड़वाने के लिए कौन आया था बोलिए? कौन आया था? आप तो मारकर चले गए थे, उसके बाप को मैनेज कौन किया? हाँ, जरा उंगली क्या पकड़ाई, होल्ड हैंड करे। सॉरी बोल। सॉरी। इसको बोल, बच्चे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, मम्मी ने कुछ सिखाया कि नहीं? हाँ, अरे डरा डरा के कहा हाल कर दे इसका। अबे इसको कोई दूध पिलाता कि नहीं? अरे उठाओ ना। भैया जी आपका फोन। हाँ लेटर लेटर। अरे भैया घटक का है? अबे आफ्टर सम टाइम। इशू बेटे उठ, अरे इसको पसीना आ रहा है। दम घुट रहा है इसका, खिड़की खोलो। मानिक तला सार्वजनिक दुर्गा पूजो समिति तरफ थे सांघातिक बोकारे। कितना उड़ कर आता है?
ए तिवारी लखन दादा का फोन दो। ए ए लखन दा लो का मालूम, ये हमरे जानेमन का बच्चा है। अरे जानेमन का बच्चा, पकड़ो, टेक ठीक तरह से टेक केयर कीजिए। ए उठो, मालूम है मम्मी ने रही। हाथ जोड़ो। मानिकतला सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति तरफ से आपको मेरे मरे हुए बाप का आत्मा को शांति दो। बोलो, अरे बोलना, मुंह में तेज हमारा खा का इसकी मम्मी मानी नहीं, नहीं तो हमरे जैसे फीचर पाए होते ससुरे ने। लक बैड, बैड लक। हेलो, किधर बोले? हाँ, हेलो लखंदा, हम कड़क बोलता है, अविनाश धंधा है। रीमा, माने चला किधर है? यही है, 2 किलोमीटर। तुम स्टेशन पे मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। रिक्शा, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, चलो। ईशु का पता चल गया है क्या? देख क्या अविनाश। ए लगंदा, लगंदा, हाँ एकाने आशुन, एकाने, हाँ, उबराओ, उबराओ, यहाँ चला। पुलिस स्टेशन में मानिकाला से बोल रहा हूँ, इस एरिया में किसी ने बॉम्ब लगाया। नहीं 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 दादा, नहीं नहीं, आजकल तो सीएम को पीएम पे भरोसा नहीं होता, तो हम तुम्हारा क्या भरोसा करेगा। लास्ट टाइम जितना पैसा दिया था एक खा गया था ना गोपाल। अभी अगर तुमको अविनाश का पता मांगता है तो हमको पैसा दो एडवांस में, और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए हमें, कोई डिस्कशन नहीं, बस। सूचित किया जाता है कि इलाके में कहीं बम रखे जाने की सूचना पुलिस को मिली है। निवासियों से निवेदन है कि वो बिना हड़बड़ी मचाए धीरे धीरे इलाके को खाली कर दे और पुलिस का सहयोग करे। निवासियों से निवेदन है कि वो धीरे धीरे होले होले इलाके को खाली कर दे। पुलिस, अरे हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करो। नहीं यार, देख क्या था। अरे जरा ध्यान रखो बच्चे पर। क्या गलत कपड़ा के लिए क्या? भैया जी, अविनाश। ठीक है, बच्चे का ध्यान रख, मैं पहुंचता हूं। क्या हुआ? वो बंदर वाली कहानी सुने ना? बंदर, लालची बंदर। नहीं, वो रोटी निकालने के लिए वो छोटा मुंह वाला बर्तन होता है ना, उसमें हाथ घुसड़ के रोटी को मुट्ठी में बंद कर लेता है, और जब हाथ बाहर निकालने की बारी आती है तो हाथ बाहर नहीं निकलता क्योंकि मुट्ठी बंद है, और बंदर तो बहुत लालची है। वो ठीक है, लेकिन दादा हमको ये स्टोरी सुनाए क्या फायदा? अमा यार, अपनी तो लगी पड़ी है, अजीब सियापा है साला यहाँ। यह अबे लौंडा कहाँ है? अबे लौंडा कहाँ है? Yes, sir.
मार रहे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, पकड़ो पकड़ो, अरे मुझे पकड़ो, मेरे बच्चे को मार रहे हो, मेरे बच्चे को मार रहे हो, अरे वो मेरा बच्चा है ईशु, अरे वो मेरे बेटे को लेके भाग रहा है, अरे मेरी मदद कर रहा, अरे अरे मेरे बेटे को लेके भाग गया, अरे मेरे बेटे को लेके भाग गया ईशु। देखो बड़ो साहब से कथा हो गया है, आपने एक तो फोन पे कथा बोले नहीं। क्या हुआ रीमा? यस मैम। अविनाश, मैंने पटना में तुम्हारे मामा से बात कर ली है, वो कल तक तुम्हें लेने आ रहे हैं। कल तक बहुत देर हो जाएगी रीमा, कल तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे मेरा बेटा आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। रीमा मुझे यहां से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहां से, समझाओ इन्हें, समझाओ इन्हें कि वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा था जिसे इन्होंने लखन के हवाले कर दिया। अविनाश प्लीज, मैं कोशिश कर रही हूं ना, कल तक तुम्हारी बेल हो जाएगी, मैं कर रही हूं ना कोशिश अविनाश, बस बस इतनी दूर था वो मुझसे, मेरे सामने उठा कर ले गए उसे, मेरे सामने उठा कर ले गए उसे। This film is brought to you by Beauty Secrets by Madhuri. मेरे सौंदर्य के राज आपके लिए। And Agile, Gel, Gel for Universe, International Agile. Looking fine, writing great, the choice you have made is ultimate International Agile. सिरदर्द, थकान और अनिद्रा से राहत के लिए नवरत्न तेल। मैंने देखे जो सपने तुम्हारे लिए साकार सारे वो होने लगे, बस आरज़ू है कि छूलो सितारों को तुम। शुभकामनाओं से बंधा एक अनमोल उपहार एट डायमंड रोला। इमामी और माधुरी की पेशकश ब्यूटी सीक्रेट्स बाय माधुरी 3-in-1 लाइट हेयर ऑयल। तीन तेल आमला कैस्टर आमंड के साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों का अनोखा फॉर्मूला, इसे हिलाए रंग बनाए फिर बालों में लगाए काले लंबे करे बाल, देखिए 3-in-1 का कमाल। The magic of Madhuri. Diamond roller, a pen, a jewel. मुन्ना, देखो मुन्ना, उन्हें मालूम है तुम उनकी बात नहीं मानोगे, इसलिए वो मुझे साथ लाए हैं। उनकी बात ध्यान से सुनना, तैश में आकर कोई बेवकूफी मत करना बेटा, ईशु की जिंदगी का सवाल है। हाँ जाओ। मेरा बेटा कहाँ है? हम अगवा किए हैं उसे, नाती है हमरा और हम अगवा किए हैं उसे, बेटी को मरवा दिया, नाती को किडनैप कर लिया, आदमी थोड़ी ना हम, जानवर हैं, जानवर। हाँ हम भड़के थे संजना पर, बेटी है हमारी, भड़क सकते थे उस पर, तुम तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन से जानते हो उसे, हम तो उसे गोद में खिलाए हैं,
विदेश भेजा पढ़ाई लिखाई के लिए, बिन माँ की बच्ची को अकेले पाले, किस लिए? इस दिन के लिए? अरे बोल सकती थी कि लखन यादव गुंडा है डैडी, हमका पसंद नहीं है तो काम जबरदस्ती उसे मंडप में बिठा देते। अरे न बात न चीत न डिस्कशन, उठाए और भाग खड़ी हुई। पांच बरस तक रोते रोते अब उसकी बरसी बनाते रहे, फिर पता लगता है कि जिंदा है, फिर पता लगता है शादी हो गई, फिर पता लगता है बच्चा है, और ये सब बात बताने की हमका जरूरत भी नहीं समझी। बाप भी तो थे ना मुझके। वापस लौट गए थे, सोचा था जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगे, पर ऐसा होता थोड़ी ना प्रैक्टिकली में। तुमको मिले भी नहीं थे फिर भी तुमको एक्सेप्ट कर लिया था, पूछो नर्मदा से कहा बोले थे हम, अगर वो खुश है तुम्हारे साथ तो हम आड़े नहीं आएंगे उसकी खुशी में, और तुम समझ रहे हो कि हम अरे सजरा बेटी थी अमरी, बापो बाप का दर्द तो समझ सकते हो ना। मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है मेरा? वो लखन उठा के ले गया उसको, जैसे ही उसको पता चला कि सज्जना जिद्दार हम तुमका एक्सेप्ट कर लिया हूं, तो खून सवार हो गया उसके सर पे, कुत्ता सीधा तुम्हारे घर पहुंचा और रामखोर को पता था कि इसके बाद हम उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हमारे नाती को किडनैप कर लिया, ढाल बना रहा है उसे, फिरौती मांग रहा 50 करोड़ की। मुझे क्यों बुलाया? कमीना दोबारा फोन किया था और अब पैसे के साथ साथ वो तुमको भी मांग रहा है। ससुरा ऐसी सिचुएशन में हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि का सही है और का गलत है। लेकिन अगर तुम साथ नहीं गए ना तो ये बात तो तय है कि वो ईशु को जान से ही मार देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, तय करो कि क्या करना है। जहां तक ईशु का सवाल है, हम वादा करते हैं कि उसको सुख से रखेंगे, और क्या कहें। फोन करो उसे। हमारे हाथ इशू आ जाए बाद में अविनाश और लखन को खत्म कर, तो समझे का? देखो बेटा अपने गुस्से पे काबू रखना, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाए तो इशू का ख्याल रख। अभी चलो बेटा, आराम खोर इंतजार कर रहा हो घबरा। सडनली का फितूर सवार हो गया तुम? यहाँ के कमिश्नर को फोन लगाइए। अरे कमिश्नर को फोन लगाएंगे और लखन को पता चल गया तो वो इशू को जान से मार देगा। फोन लगाइए प्लीज। सर मैं कमिश्नर खान बोल रहा हूँ। सर मेरे पास बिहार के ऑपोजिशन लीडर सुशांत सिंह का फोन आया था कहीं से। सर वो कह रहे थे कि उन्हीं के प्रदेश के किसी गुंडे लखन यादव ने उन्हें राजनीतिक मतभेद की वजह से किडनैप कर लिया। जी सर, आई पुट माय बॉयज ऑन द जॉब सर। सर मैं आपसे मिलने आता हूँ सर। यस सर, यस सर। हेलो टीवी खोल, फेमस हो गया तू, प्रोग्राम आ रहा है तेरा, मरना इसी का नाम है। और अब एक खास खबर, आज कोलकाता शहर में रेड अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस पूरी सरगर्मी से लखन यादव नाम की आर्मी खबर भाई की है, जो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन सुजान सिंह के अपहरण का जिम्मेदार है। ये खबर खुद सुजान सिंह ने पुलिस कमिश्नर को फोन पर दी। कहा जाता है
हाँ बोल। कोलकाता पुलिस ने पूछताछ करी। तेरी मौत आई है रंडी के साले, तुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं है। लालची कुत्ते, जब तक तुझे पैसे नहीं मिलेंगे तू इशू को छुएगा भी नहीं। अरे उसको तो मैं काट के फेंक दूंगा साले को। लखन, साले, लखन। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता लखन, चप्पे चप्पे पर पुलिस तेरी तलाश कर रही है। अब तेरे पास कुछ भी नहीं, ना पैसा ना सुजान। डाक दूंगा गुगली बेटे के सर। पूरे 50 करोड़ तेरे सर पे लगाऊंगा, जानता कितने होते हैं। गलियों में जाएगा तो भाड़े के कुत्ते तुझे नोचेंगे और सड़कों पर पुलिस नहीं छोड़ेगी। मैं तो तुझे भी मारूंगा और तेरे बेटे को भी मारूंगा। बस 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 लखन, अगर ये बच्चा गया तो हम सारे मारे जाएंगे। सुनो, बच्चे को छोड़ देंगे, बस तेरे बेटे को अभी तक नहीं मारा, फट गई थी ना। हेलो हेलो, इशू को फोन दो, इशू को फोन देना। रॉट रॉट रॉट, हेलो हेलो इशू, इशू तेरा पापा आ रहा, तेरा पापा आ रहा। इशू फट गई ना, बोला भी किधर मिलेगा। खड़गपुर स्टेशन, टाइम बॉल 8 बजे। केवल पकड़ ना भरे सा। ये उठ बे। हेलो, एक काम कर, बच्चे को अपने हाथ में ले। मैंने क्या कहा? बच्चे को अपने हाथ में ले। हाँ ले लिया, बोल। जब तक मैं ना कहूँ आगे चलता है। तेरे आदमियों को बोल तुझे अकेला छोड़ दे और तू अपनी पिस्तौल कचरे के डब्बे में फेंक दे। अब जाकर सामने वाली बेंच पर बैठ। चलो S2 कोच, लखन भैया
ईशु, ईशु, फरवरी का दिन था ना जब मैं बैंक गया था। संजना बेटा चलो, हम तुम कार लेने आए हैं, चलो बेटा। अविनाश लगता ही हरामी चुगलखोर ने कान भरे हैं तुमरे, इसने भड़काया तुमको हमरे खिलाफ, कन्विंस किया है कि हमने ही। लेकिन लेकिन बेटा तू इस मर्डर की बातों में ना बिल्कुल मत आना। अरे ससुरा, ससुर और दामाद के रिलेशनशिप में आग लगाना चाहता है हरामी, इसके लिए पाल पोस के मना किया था। क्यों 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 पाले पोसे थे? हाँ सारे मर्डर तो हमसे करवाते थे ना। बोलता है साला हरामी, बोलता है लगन हम तुम्हें ये बनवा देंगे, हम तुम्हें वो बनवा देंगे, अपने बेटे के साथ शादी करवा देंगे कि घंटा शादी करवाएंगे। अच्छा वो बाप कहते हैं ना अपने आप को, खुद दाग देते ना गोले अपनी बेटी पर। वो चिल्ला रही थी ना, बोल रही थी बाबूजी हमें नहीं चाह रहा। बेटा पहले ही खून खराब हो चुका है, इसलिए हमारी बात मानो, घर चलो, हम सब ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो हमारी बात, नहीं हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, सुनो हमारी बात। अरे तो और क्या करते हम? अरे जब बेटी मर्यादा छोड़ दे और खानदान की इज्जत पे बट्टा लगा दे तो एक शरीफ और जिम्मेदार बाप इसके अलावा और कर ही कर सकता है। और फिर हिंदुस्तान के पहले बाप तो है नहीं जो खानदान की इज्जत की खातिर अपनी बेटी को जान से मार दिया। बेटी को मारा तो मारा, उसके मौत का भी फायदा उठाना चाह रहा था, उसके मर्डर का इल्जाम हमरे सर थोप कर हमें भी रास्ते से साफ करना चाह रहा था। हरामी, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे नाती हमरे हाथ लग गए, ये तो हमरी तो मैया चुप। ये पूरे पैसे तेरे नहीं हैं, इनमें से कुछ नर्मदा को दे देना। जल्दी निकल जाएगा तो बच जाएगा। लखन यादव भी घटनास्थल पर पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। जैसा कि ज्ञात है, पुलिस लखन यादव को सुजान सिंह के अपहरण के सिलसिले में पहले ही तलाश कर रही थी। लेकिन इतना तो कहना ही होगा कि इस घटना ने इस पूरे मामले को बड़ा ही दुखद अंत दिया है। संजय ओझा, ई न्यूज। कमाल की जगह है ना। हाय, आई एम रीमा, तुम्हारा कोई नाम है? वैसे हम पहले मिल चुके हैं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं एक नॉवल लिख रही हूँ जिसमें जो लड़की का कैरेक्टर है वो कुछ मेरी तरह है। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो जाती है जो कुछ आपकी तरह है। और वो लोग कुछ ऐसे घर में रहते हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस। मैं इस घर में रह सकती हूँ ना? इस बार भी मेरा कैरेक्टर भारी सोएगा क्या? अब वो तो नॉवल पे डिपेंड करता है ना। वैसे तुम मुझे सजेशन दे सकते हो, यू नो आई एम ओपन टू सजेशंस। और वैसे भी जैसे जैसे रिश्ता बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नॉवल भी चेंज होते जाएगी। भारी है, थैंक यू। और वैसे रहे हम तीन कैरेक्टर, तुम, मैं और ईशु, वैसे घर में कुक है ना?